ये मैनपुरी जो है जहां आप बैठी हैं, पिछली दफा आप 2,88,000 वोटों से जीती थी, इस दफा आपका दावा क्या है, गट फील क्या है? नहीं, अभी तो कोई गट फील नहीं आया, जैसे जैसे वोटिंग हो जाएगी फिर गट फीलिंग आएगी, आई बिलीव राइट नाउ देयर इज नो गट फीलिंग, बट हाँ हम चाहते हैं कि पिछली बार का जो परसेंटेज ऑफ वोट मिला है उससे बढ़ के मिले एंड वोट इंक्रीज हो। लेकिन उस रास्ते में बहुत सारी एक बड़ी मशीनरी काम कर रही है, गृह मंत्री यहाँ पर थे संडे को, पिछले रविवार, इवन आज खुद मुख्यमंत्री सूबे के योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, तो और अमित शाह ने एक बात कही जिस पर मैं आपका टेक ज़रूर चाहती हूँ। अमित शाह ने कहा कि ये चुनाव राम भक्तों पर गोली चलवाने वालों और राम मंदिर बनवाने वालों के बीच का चुनाव है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि ये कोई धर्म युद्ध नहीं हो रहा है, ये एक राजनीतिक लड़ाई है और विचारधाराओं की लड़ाई है, और एक तरफ वो लोग हैं जो कट्टर कहीं ना कहीं थोड़े से राइटिस्ट हैं और कहीं ना कहीं ऐसी बातें मंचों से करते हैं जिससे कि संदेश देते हैं लोगों के बीच में, और मैं समझती हूँ कि इस तरह की जो विचारधारा है, जो समाजवादी विचारधारा है, क्योंकि अब लोगों ने 10 साल का कार्यकाल देख लिया है भारतीय जनता पार्टी का, तो कहीं ना कहीं वो इस कार्यकाल से मायूस हैं, क्योंकि जितने वादे इन लोगों के द्वारा करे गए थे मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं आज वो पूरे नहीं हुए हैं। आज युवा लोग, आज हमारा किसान वर्ग, आज हमारी माताएं बहनें और आज हमारे जवान भी कहीं ना कहीं प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि वह पिछड़ रहे हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट की जो विजन था वो बहुत ही प्रोग्रेसिव था, लेकिन उनका तो बहुत ही इंक्लूसिव था, लेकिन जो धरातल पे अगर आप देखेंगे तो आई डोंट थिंक सो दे हैव परफॉर्म्ड, जिस तरह उन्होंने प्रोजेक्ट किया था उस तरह परफॉर्मेंस नहीं हो पाई है। लेकिन 80 में से 80 का नारा है, इस बात को कहना ही 80 में से 80 का जो कह रहे हैं मैं समझती हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को झूठ बोलने की आदत है तो लगातार मंचों से झूठ बोलती आई है, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं अगर इस तरह का झूठ भी वो कह रहे हैं तो।